स्थान पर जाएंगे। नवम स्थान पर जब मंगल जाते हैं तो क्या करेंगे, बकरी हैं इसलिए भाग्य में अचानक नुकसान पहुंचाने वाले हैं, बकरी होने के कारण जमीन का अचानक नुकसान होता, भाग्य की बनी बनाई चीज बिगड़ जाए और भूमि संबंधी कार्य में नुकसान की संभावना दिख रही है। इस प्रकार से मंगल देव कोई अच्छे कार्य नहीं करा रहे, साथ साथ में अपव्यय होगा यानी हानि की योग दिख रहे हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि बार में घर में होने से आपका हानि हो सकती है जमीन से संबंधित। कोई ब्याना ना लें, कोई नुकसान हो सकता है, कोई नया अनुबंध ना करें तो ही अच्छा है। और छोटे भाई बहनों के लिए कष्टप्रद समय है, उनके लिए भी थोड़ा सावधानी से कार्य करना है। और साथ साथ में आपके मकान जो बन रहा है उसमें कुछ रुकावट आ रही है, एक सप्ताह के लिए उसमें थोड़ा सावधान रखें। और साथ साथ में शनिदेव आपकी राशि कर्क से सप्तम चल रहे हैं, पत्नी का स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं, स्वभाव बिगाड़ रहे हैं, मनमुटाव करा रहे हैं। साथ साथ में जब सप्तम में आते हैं भाग्य में भी चोट पहुँचा रहे हैं, अचानक बना हुआ खेल भाग्य का बिगड़ रहा है। भाग्य में भी ये चोट पहुँचाने वाले ये शनिदेव हैं। इस प्रकार से आपकी कर्क राशि के लिए ये अच्छा स्वास्थ्य आपका भी बिगड़ रहा है, उसमें भी सावधानी रखना है। और ख़ास करके सूर्यदेव और गुरुदेव आपकी राशि से कहाँ चल रहे हैं, कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक और धनु पांच छठ में चल रहे हैं, छठ में गुरु चल रहे हैं, तो आपकी कमर में दर्द आ सकता है, आपकी पिंडली में दर्द हो सकता है, घुटनों में दर्द हो सकता है, और थोड़ा सा लीवर से संबंध भूख कम लगेगी, कुछ परेशानी स्वास्थ्य संबंधित हो सकती है, इससे सावधान रहना है, क्योंकि आपके छठवें स्थान पर गुरुदेव चल रहे हैं। साथ साथ में आपके धन संपत्ति कुटुंब परिवार इनका सबका बहुत सहयोग मिलेगा, इनके सहयोग से कुछ बड़ा कार्य भी आप कर सकते हैं, ये स्थायी प्रॉपर्टी का भी कोई स्थायी संबंध बन सकता है, इससे भी थोड़ा सा आपको सावधान नहीं रहना है, आनंद लेना है इसका। इस प्रकार से आपका सप्तम भाव और आपकी आयु वृद्धि का योग है, और खर्च आपका जो है सो बहुत अच्छा, अच्छे कार्यों में खर्च हो सकता है, खर्च तो होगा लेकिन अच्छे कार्यों में होगा। मंगल देव आपकी राशि से बताया, अब चंद्रदेव आपकी राशि से कैसे रहेंगे, चंद्रदेव आपकी राशि से 27 और 28 तारीख को पत्नी का भरपूर सहयोग मिलेगा, उनका जो है सो सहयोग के साथ साथ में लाभान्वित होने का योग भी है, और सम्मान मिलेगा। चार सप्तमी राज सम्मानम, जहाँ भी आप जाएंगे आपको मान मर्यादाओं के साथ सम्मान प्राप्त होगा, और दैनिक आय की गति बढ़ेगी इस 27 और 28 तारीख को। और 29 और 30 तारीख को ये शनिदेव जो चंद्रदेव हैं आपके छठ में हो जाएंगे, इसलिए उस दिन जो है सो ठीक नहीं है, उस दिन छठ में शनि चंद्रदेव जो है सो थोड़े से व्याधि, कोई अचानक को व्याधि आ जाए, कोई उपद्रव हो जाए, व्याधि आ सकती है, उससे थोड़ा दूरी रहना तो भी ठीक है। और 31 और 1 तारीख को बहुत अच्छा समय है, क्योंकि उस दिन सूर्य जो चंद्रदेव हैं वो चंद्रदेव पंचम है, संतान के लिए बहुत उत्तम फलदायक है, संतान के लिए और विद्या बुद्धि के लिए बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। और 3 तारीख को आपके तृतीय धन संपत्ति का स्थायी योग बन सकता है। तो सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, ये सारे 9 ग्रहों का मैंने फलाभेद आपको कर्क राशि वालों को भी दिया है। आशा करता हूँ आपका मंगलमय सप्ताह बीते। हरिओम। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास।
आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।